नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। आज महिला दिवस है और आज हमारे बीच विशेष शख्सियत हैं सीजीएम अनुराधा जी, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आज महिला दिवस है, आप एक महिला है, जज की भूमिका में भी क्या कहेंगे, किस तरह आपकी जर्नी की बात की जाए तो जर्नी क्या रही है आपकी जज बनने की? मेरी जर्नी एक्चुअली मुश्किल भरी तो हर एक जर्नी होती है, बट मैं बहुत लकी थी कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतना अच्छा पेरेंटल सपोर्ट मिला और भगवान का साथ मिला ऑफकोर्स, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं इस फील्ड में आई जहाँ पे मैं दूसरों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, उनको कुछ हेल्प दे सकती हूँ। सो इट्स हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर। महिला वायलेंस की बात की जाए तो कई मामले हैं, आप भी लगातार प्रयास में जुटे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा मिले या कुछ बेनिफिट्स भी मिले, तो बात की जाए तो किस तरह से आप सब चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, किसी भी सक्सेसफुल महिला के पीछे एक फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है, और मैं बहुत लकी हूँ कि ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मुझे बहुत लकी लाइफ पार्टनर, मुझे बहुत सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मिले, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर एंड यू नो सपोर्टिंग मी वेन एवर, जब भी मेरे को घर हाउस ऑफिस मैनेज करना होता है, ही हेल्प्स मी मैनेज द हाउस ऑल्सो, टू लुक आफ्टर माई ऑफिशियल ड्यूटीज़ ऑल्सो। सो उस सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन। रूटीन के मामले आते हैं आपके सामने, आप देखते हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि महिला विरुद्ध क्राइम्स लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि महिला आज भी अपने आप को सशक्त नहीं मान पा रही है। वो उसकी शायद अपब्रिंगिंग ही हमारी सोसाइटी में इस तरह से की जाती है कि वो वीकर पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। बट आई थिंक अगर हर एक मदर अपनी डॉटर को ये समझाएगी कि आप किसी से कम नहीं हो, उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से होगी, तो सबसे पहले तो वो अपने आप में सशक्त होगी। उसके लिए उसका कहीं जॉब करना या किसी पोजीशन पे होना ज़रूरी नहीं है। एक हाउसवाइफ अगर अपने आप को समझाए कि आई एम नो लेस देन एनीबॉडी, तो वहाँ पे सारा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस एक वुमन के एटीट्यूड से डेवलप होता है। तो मेरे को लगता है अगर डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह के वायलेंस को रोकना है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक वुमन ये फील करे कि मैं एक बराबर की इंसान हूँ और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता और मैं होने भी नहीं दूँगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैडम, आज महिला दिवस भी है, तो ऐसे में महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि महिलाओं में कहीं ना कहीं जागरूकता आए और इस तरह के मामले ना बने? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप वो तकलीफ़ या दुख सहने के लिए बाध्य नहीं हैं, उसके लिए आगे आइए। बहुत सारे लॉज अब तो हमारे कंट्री में आ गए हैं जो वुमन को डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, सेक्शुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट, किसी भी तरह के मेंटल या इमोशनल टॉर्चर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जहाँ पर अगर आकर कोई भी वुमन एक बार भी अपना कोई वर्बल शिकायत भी देगी, तो हम उसको परस्यू करके पुलिस या हायर अथॉरिटीज़ तक ज़रूर लेकर जाएंगे, एंड वी विल एक्सटेंड फ्री लीगल एड टू हर। तो जब इतनी सारी चीज़ें रख दी गई हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी वुमन को, किसी भी नारी को अपने घर में या घर के बाहर असुरक्षा महसूस ना हो। मैडम, नशा आज की बड़ी अहम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ते हैं, और देखा ये जा रहा है कि आजकल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसा आज महिला दिवस पर ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि कहीं ना कहीं ये जागरूकता आए, ताकि ये नशे से भी दूर रहें? देखिए, जितना ज़रूरी ये है कि एक नारी ये समझे कि मैं जुल्म सहने के लिए बाध्य नहीं हूँ, उतना ही ज़रूरी ये भी हो जाता है कि वो ये भी समझे कि मैं अगर उसके घर में कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो उस गलत में शामिल होने के लिए भी बाध्य नहीं है। क्योंकि आम तौर पर क्या देखा जाता है, खासकर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, इसमें विमेन बहुत ज़्यादा NDPS एक्ट के ऑफेंसेस में दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ इम्बाइब्ड है कि हम अगर अपने हस्बैंड का या अपनी फैमिली का या सोसाइटी का
साथ नहीं देंगे इस गलत के अगेंस्ट, तो शायद हमारे साथ गलत हो जाएगा। बट वही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपने आप में आप इतनी सशक्त बनिए कि इन चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाइए। बहुत बार हो सकता है कि लेडी इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती हो और उसको होना पड़ता हो, शायद फैमिली प्रेशर्स के चलते, शायद किसी गलत अब्यूज़ या वायलेंस के चलते। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि प्लीज़, ये एक बीमारी है जो आज यह बीमारी आपके घर तक नहीं पहुंची, पर आपसे, आपके घर से शुरू होकर अंत में आकर आपके घर में ही पहुंचेगी। तो प्लीज़ नशों से दूर रहिए और इन इंफेंसेज में प्लीज़ इन्वॉल्व मत होइए। मैडम, फाउंडेशंस की बात की जाए तो आजकल लड़कियों की लाइफ बड़े छोटे क्षेत्र तक सिमट कर गई है, एजुकेशन और मैरिज। क्या कहना चाहेंगे, अभिभावकों का क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि बेटियों को आगे ले जाने में वो कुछ मदद हो? देखिए, आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है। मैं मानती हूँ कि एजुकेशन और मैरिज और करियर तक लाइफ सीमित होकर रह गई है, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जब तक एक घर की जो लेडी है, जिसके कंधों पे सारा घर का बोझ है, ऑफिस का बोझ है, जब तक वो अपने आप में खुश नहीं रहेगी, अपने आप को खुश नहीं रखेगी, तब तक ऑफिस और घर अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो नारी है उसका हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर लेकर जाएं, मतलब उसको ज़्यादा खुश रहने के लिए प्रेरित करें, या उसके आसपास इस तरह का माहौल बनाएं कि वो हमेशा सकारात्मक और अच्छी सोच रखे। तो उससे मुझे लगता है कि एक तो आपकी फैमिली और ऑफिस लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, एंड नेचुरली फिर वो पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, तो उसके चलते आई गेस इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। धन्यवाद। तो बिल्कुल आज के टाइम में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सशक्त बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैडम का ये मैसेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।